नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 7 जो कि आता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स आपका क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहीं से आपका बेस बनता है इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन अगर आप आगे जाके बीएससी बीटेक मतलब साइंस की किसी भी फील्ड में जाते हो तो इंटीग्रेशन आपका लाइफ टाइम में कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, मीन्स इंटीग्रेशन आपको हर जगह पर मिलेगा। इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पर क्लास 12th में आपका सिंपल कुछ अलग चीज नहीं है, 80% आपको काम क्या करना है, फॉर्मुलेज याद करने। जितने आपके फॉर्मुलेज याद होंगे आपको फॉर्म्स याद होंगी और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होना है। इसमें करना क्या होता है, आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको क्वेश्चन किसी भी आपको फंक्शन किसी भी फॉर्म में दिया जाएगा, तो अगर आप उसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो तो हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, वरना अगर वो सोल्व नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्म हमें आती है जिस फॉर्म को हमें सोल्व करना आता है उस फंक्शन को हम क्या करेंगे घुमा फिरा के एक तरीके से उस फॉर्म में लेके आ जाएंगे, एक मतलब कि जो सोल्व करने वाली जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में लेके आ जाएंगे, तब जाके हम उसको सोल्व करना स्टार्ट हो देंगे जहां पर हमारा कोई ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। मींस कोई ना कोई फॉर्मूला आपका इसमें पक्का लगेगा, मींस जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ शायद मतलब डायरेक्ट उसमें ना लगे, उसका आप थोड़ा सा चेंज कर दो, उसकी वैल्यू चेंज कर दो, लिमिट चेंज कर दो, तब आपका इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, जैसे साइन स्क्वायर एक्स किसके को इंटीग्रेट करके किसके कहलाता है, 1 माइनस का कोस 2x/2, इसकी एक वैल्यू आप लिख सकते हो। ये सब मैंने यहां पर फॉर्मूले लिख सकते हैं, इंटीग्रल्स के मैंने डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो आपके एक तरीके से कन्वर्जन वाले फॉर्मूले हो गए ऊपर, और जो इंटीग्रल्स के जो फॉर्मूले ये नीचे आ गए ये आपके सारे आप कहते हैं इंटीग्रल्स के फॉर्मूले। जैसे x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1/n+1 होता है, और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x होता है, cos x का आपका हो गया sin x, sin x का क्या हो गया माइनस का cos x। इसी तरीके से आपके सारे आपके क्या आ जाते हैं, ये फॉर्मूलेज आ जाते हैं। इन फॉर्मूलेज को जितनी ज्यादा बार लिख लिख के देख सकते हो उतने आपके लिए क्या होंगे बेनिफिशियल ये रहेंगे, ये सारे आपके फॉर्मूले आ गए। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन। पार्शियल फंक्शन में आपका क्या होगा, यहाँ पर जैसे px प्लस का q अपॉन ax एक्स माइनस का ax माइनस का b, इस फॉर्म में अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आपको किस तरीके से आपको उसको क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे, a अपॉन x माइनस का a प्लस का b अपॉन x माइनस का b, इस फॉर्म में आप लिख के कर सकते हो। इस तरीके से सारी आपकी फॉर्म्स आ जाती है, ये चार फॉर्म हमारी होती है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में आप क्या करोगे, जैसे fx और gx आपको दो फंक्शन दिए हुए, u और v आपको मान लो दो फंक्शन दिए हुए, तो उनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे fx का fx को कांस्टेंट रख के gx का क्या कर दोगे इंटीग्रेट कर दोगे, फिर माइनस कर दोगे जो आपने f डैश x निकाला था उसकी मल्टीप्लाई करके gx का इंटीग्रेशन इनटू dx, और उस सारे को क्या कर दोगे इस fx इंटीग्रेशन gx dx में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। इसको सोल्व करके आपका निकल जाएगा fx gx दोनों का साथ में इंटीग्रेशन, ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहां पर बेसिकली हमारी सात आठ मतलब बेसिकली तो सात ही प्रॉपर्टी आती है, इसमें से हमारी जो 3, 4, 5 मतलब कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी आपकी आती है लिमिट आपकी है a टू b, जो एफ एक्स है वो किसके कॉल हो जाएगा एफ टी के कॉल हो जाएगा, अगर आप क्या कर दो मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू जो जैसे एफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में था dx के में था और लिमिट सेम है, आपने क्या कर दिया एफ टी dt के रेस्पेक्ट में आपका क्या हो गया इंटीग्रेट हो रहा है। ऐसी आपकी सारी प्रॉपर्टीज आती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट मतलब काफी जो यूज होने वाली है वो सबसे एक तो पी टू होती है, पी टू में आपने क्या किया लिमिट्स को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ऐसी पी थ्री में आपने क्या कर दिया लिमिट्स a टू b थी, आपने क्या कर दिया फंक्शन में जो लिमिट्स है उनको ऐड कर दिया, मींस फंक्शन a प्लस b माइनस का x को इस फॉर्म में लिख सकते हो। इन फॉर्म में लिखने का आपको क्या होता है, इन जैसे आपको डायरेक्ट fx दे रखा और fx आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो आप f a प्लस b माइनस का x लिख के आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, और क्वेश्चन सोल्व करते करते फिर आपको फॉर्म्स याद आ जाएंगे, फिर आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा कि कौन सा यहां पर लग रहा है। इस तरीके से इसके जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है होते हैं वो आपको सोल्व करने होते हैं। आगे बात करते हैं सी पी फाइव पी मतलब प्रॉपर्टी फाइव, इसमें क्या है जीरो से लेके आपका 2a तक है, तो उसको भी आपने क्या हुआ है दोनों दो पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हो, मतलब लिमिट को एक तरीके से क्या किया हुआ है डिवाइड किया हुआ है। ऐसी p6 p7 आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, इस तरीके से आप इनको चेक आउट कर सकते हो, सिंपल है पॉइंट। नेक्स्ट आपका आता है इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स, मतलब कुछ और अलग टाइप्स के आपके इंटीग्रेशन है। जैसे अगर आपका इंटीग्रेशन आपको दे रखा है इंटीग्रेट आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट उसको dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो इन वैल्यूज के इक्वल लिख सकते हो, मीन ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये आपका इंटीग्रेट करके ये वाली वैल्यू आप लिख सकते हो। मीन्स अगर आपको किसी क्वेश्चन में आप सोल्व कर रहे हो, सोल्व करने के बाद वहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में आपका जो फंक्शन है वो आ गया, तो आप डायरेक्ट कुछ ना करके वहां पर ये वैल्यू आप लिख सकते हो, मींस ये डायरेक्ट आपके क्या हो गए फॉर्मूलेज हो गए, आप सिंपल याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आप क्या कर सकते हो एज द
लिमिट ऑफ सम मीन्स आपको क्या कर सकते, आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स और जीरो ए टू बी वो आपका डिफाइन है, मीन्स उसकी लिमिट ये है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से डिफाइन आप कर सकते हो, मीन्स बी माइनस का ए लिमिट एच टेंड्स टू इन्फाइनाइट वन अपॉन एच एफ ए प्लस का एफ ए प्लस एच डैश 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 एफ एन माइनस का वन एच प्लस एच तक आप ये लिख सकते हो, और इसमें जो एच की वैल्यू होगी वो आपका बी माइनस का ए अपॉन एच एन के इक्वल हमारी वैल्यू होगी, एन आपका कितने भी नंबर आपको दिए हुए वो, ये आपका सिंपल एज द लिमिट ऑफ सम के इक्वल आता है, मींस इस तरीके से आप सॉल्व करते हो। आगे बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो किसके इक्वल है, वो जैसे थ्योरम 2 भी बोल सकते हैं उसको, ये हमारी आती है एफ एक्स आपका डी एक्स से आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, एफ एक्स ए अपॉन ए टू बी, मीन्स आपने सिंपल सिंपल वर्ड में समझो तो आप बहुत ज्यादा यूज भी करते हो, आपने कोई फंक्शन आपको एफ एक्स दिया होता, आपने उसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो आपको जीरो से ए तक ए से लेके बी तक आपकी लिमिट थी ना, तो सबसे पहले एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, बी रख दोगे, मीन्स अपर लिमिट रख दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे अपनी लोअर लिमिट अपने फंक्शन में रख के, मीन्स एफ बी माइनस का एफ बी आपका क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल थ्योरम होती है कैलकुलस की, बाय चेंजिंग द लिमिट, लिमिट चेंज करके भी आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये इंटीग्रेशन है ये सिंपल सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 7 आ जाता है क्लास 12 मैथ से, ये सिंपल से आपको इस चैप्टर में आपको ज्यादातर ध्यान रखना है अपने फॉर्मूलाज का। नेक्स्ट